बिहार विधानसभा चुनाव में कई रंग हैं और रंगों में अगर हम बात करें तो इस वक्त हम हैं मिथिलांचल में, जिला है दरभंगा, विधानसभा क्षेत्र है जाले, लेकिन लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी। अजीब बात होती है और यहाँ से उम्मीदवार है कांग्रेस के मस्कूर उस्मानी साहब हमारे साथ। चलिए, और मस्कूर साहब अगर आपका परिचय है, परिचय के आप मोहताज तो वैसे नहीं है, तो आप अपना परिचय जब देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इलाका भी नहीं है, तो क्या देते हैं आप अपना इलाका? नया कैसे? मैं यहाँ पैदा हुआ, ठीक है, मेरे तमाम बुजुर्ग जो है वो यहाँ पैदा हुए, ठीक है, इसी मिट्टी में दफन हो गए। ये इलाका मेरे नया कैसा है? मेरी शिक्षा मैंने यहीं से ग्रहण की, और चूंकि बिहार में शिक्षा का अवसर नहीं था इतना कि मैं यहीं रुकता, तो मुझे मजबूरी के तहत मुझे जो है बिहार से अलीगढ़ जाके पढ़ाई करनी पड़ी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने जो है मेडिकल की पढ़ाई करी और मैं वहाँ से डॉक्टर बना, और अब पिछले साल मेरी डिग्री कम्प्लीट हुई, तो मैं हम लोगों के बीच आ चुका था। उसके बाद मैं लगातार फिर से निरंतर यही काम कर रहा हूँ। तो मैंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चुना और उसके बाद लौट के आ गया। लेकिन ये कहना कि अब नए हैं कैसा लग रहा है, बिल्कुल गलत, दीपक गोविंदा का पार्ट है। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा? चुनाव है तो विपक्षी पार्टी के पास जब मुद्दा नहीं होता है तो वो प्रोपेगेंडा ही करते हैं, ये सब प्रोपेगेंडा का पार्ट है। अब मेरी उम्र 26 साल है, उनको इसी से प्रॉब्लम हो जाता है। एक युवा को कैसे महागठबंधन ने मौका दे दिया, एक युवा को टिकट दे दिया, अब वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा तो वो परिवर्तन की बात करेगा, वो शिक्षा की बात करेगा। आप देखिए यहाँ पे ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं अभी। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है पढ़ाई करें, स्कूल में जाए, खेले भी, लेकिन इनको शिक्षा मिले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा के एक एक बच्चे स्कूल जाए, जो नहीं जाएंगे उनको मैं हाथ पकड़ के उनको बहला मैं लेके जाऊंगा स्कूल के बाद शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन आपने बात की कि आपको मजबूरी में अलीगढ़ जाना पड़ा, वहाँ से आपको शिक्षा करनी पड़ी, लेकिन वहीं से आप जब प्रेसिडेंट थे तो कुछ कंट्रोवर्सी भी आपके साथ जुड़ी? मेरे साथ कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी, कंट्रोवर्सी बीजेपी वालों के साथ जुड़ी, क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी में मजा आता है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ छात्रों के लिए काम किया, यहाँ आए तो यहाँ बाढ़ था, कोरोना था, तो बाढ़ और कोरोना के दौरान काम किया। अब जो है पार्टी ने जो है वो मुझे सिंबल दिया है, जनता के बीच में हूँ, जनता का काम करूंगा। हम लोग काम करने वाले लोग, काम नहीं मिलता, हम लोग प्रोपेगेंडा वाले लोग नहीं। लेकिन काम के साथ जब कंट्रोवर्सी जुड़ जाती, कई बार आपको लगता नहीं है क्या कि आपके साथ जोड़ दिया गया नाम खन्ना के समर्थक? ये तो वही बात है ना कि अब इस देश में जो है अब गोडसे की पूजा होती है, तो गांधी के देश में गोडसे की पूजा होती है, तो किसी को भी किसी के समर्थक बना दिया जाएगा। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये दुष्प्रचार जो है बीजेपी इसीलिए कर रही है क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ ना, जाले के अंदर आप खड़े हैं, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, बाढ़ आया, ठीक है, फसलें बर्बाद हो गई, और जब लोगों ने ये आग्रह किया विधायक जी से, ये डिमांड किया सरकार से कि इस इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए ताकि उनको सही मुआवजा मिल पाए, 20,000 का लोगों ने बीज बोया हुआ था अपने खेत में, कोई पैसा नहीं, 6,000 रुपया दिया गया, जिनका घर ढह गया, जिनके खेत खलियान निकल गए, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई। ये तमाचा नहीं है गरीबों के मुंह पे क्या सरकार की तरफ से? मंत्री जी के एक से सुनिए, एक दिन वर्षा हो जाए पटना के अंदर, मंत्री जी का घर डूब जाता है, और 10 दमकल लगाए जाते हैं जिसका बिल 1.5 लाख रुपए आता है, तो मंत्री जी के घर से पानी निकालने के लिए 1.5 लाख का खर्चा वहन करती है सरकार, और गरीब का घर दह जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और तब भी ये बात तो है नहीं, यही बात है। तो क्यों लगता है क्या इन सब चीजों से आपका जो नाम जब जोड़ा जाता है, कहा जाता है क्या कि आप जिन्ना समर्थक हैं, आप पला हैं, आप बिका हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से उस पर जवाब देंगे? मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, जब जब इस मुल्क में गरीब लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है, किसान के बच्चे आगे बढ़े हैं, किसान के बच्चे ने अगर शिक्षा ली है, तालीम ली है, तो पूंजीपतियों को दर्द होता है। ये दर्द उन्हीं पूंजीपतियों का दर्द है, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा गरीब के लिए आवाज बने, वो नहीं चाहते कि मैं गरीब का बच्चा आज डॉक्टर बन गया हूँ तो ये जो मेरा भाई है इसको स्कूल ले दिखाने का रास्ता, स्कूल ले जाने का रास्ता मैं दिखाऊँ, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम लोग इलिटरेट रहे ताकि वो उन पर राज कर सके, और आज ये गरीब का बच्चा पढ़ लिख लिया है तो ये गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए आ रहा है, इसीलिए लाक्षण लगाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अब जब ये बात इतनी बढ़ गई है तो आज आपके सामने मौका भी है, आप बता दीजिए कि जब 2017 में ये बात है तो उस समय हुआ क्या था, एक्चुअली बात क्या थी, और किस तरीके से आपके हिसाब से बात को बदल दिया? देखिए, सीधी सी बात, हमने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने पत्र लिख दिया, और उस समय में होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उनको पत्र लिख दिया,
हमने ये कहा कि हमको मीडिया के माध्यम से मालूम चला, ठीक है, हमने ये कहा कि ये चीजें यहाँ टंगी हुई है, एक तस्वीर जो 80 साल से टंगी हुई है, जिसका मुझे भी मालूम नहीं था, मीडिया के थ्रू मुझे मालूम चला है, मैंने उसका सत्यापन किया कि ये चीज यहाँ पर है। चूंकि यूनिवर्सिटी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, चूंकि छात्र संघ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो कुछ महीनों के लिए छात्र संघ में गया था ना भाई, 6-8 महीना साल भर के लिए, और मेरा टेन्योर कंप्लीट होने वाला था, मैंने पत्र लिखा फौरन, प्रधानमंत्री जी दिशा निर्देश कीजिए, सर्कुलर भेजिए, चूंकि ये ऐसी तस्वीरें और भी जगह है, देश के पार्लियामेंट में है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है अच्छे से, बॉम्बे हाईकोर्ट में, मैंने कहा आप पत्र लिख रहा हूं मैं आपको, आप जवाब दीजिए और इसका क्या करना है वो हमें बता दीजिए। चूंकि देखिए स्टूडेंट यूनियन एक प्रेशर ग्रुप होता है छात्र संघ, उसके पास कोई पावर ऑथोरिटी नहीं होती है कि वो कुछ लिख दे, साइन कर दे और हो जाए। हमने पत्र लिखने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, मेरा 20 दिन का कार्यकाल बचा था वो खत्म हो गया, मैं उसके बाद मुख्यधारा की राजनीति में आ गया, और जब मैं आज मुख्यधारा की राजनीति में आ गया पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के, तो इनको पेट में दर्द होने लगा कि कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा आ गया। आपके चुनाव में जब चुनाव चल रहा है तो इस मुद्दे को किस तरीके से टर्न दे रही है, जो टर्न दे रही है आपने अपनी बात रखी और बीजेपी का अपना कहना है, तो बीजेपी तो देखिए बीजेपी को क्या कहा, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, तो कुछ नया नहीं है, नीतीश जी की बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि बड़का झुट्टा पार्टी दूसरों पे इल्जाम लगाती है, और जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं ना, तो मुद्दे नहीं होते हैं तो उलूल जुलूल बात करेंगे। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, हम बोलते हैं जाले विधानसभा के अंदर पीएचसीज और एपीएचसीज की हालत क्यों खराब है। चलिए हम लोगों से पूछ लेते, मुद्दे पर आ रहे हैं, तो क्या है परेशानी है यहाँ पर, परेशानी आप लोगों से बहुत परेशानी किसे नहीं, किस तरीके का है, नेताजी आपके पास आए क्या डिमांड कर रहे हैं, हमारे लिए यही परेशानी है, जो मेरे घर द्वार किसी को नहीं मिला आज तक, आज नहीं मिला। देखिए मिट्टी का मकान है, आप देखिए मिट्टी का मकान है, किस तरह से गरीब लोग रह रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि बोलिए ना की चाहिए यहाँ के, हाँ बोलब तखने तो हो की चाहिए सर, विजय अथी जीवेश मिश्रा का जिता का भेजे, आज तक मैनकौली पंचायत में गोबर एक टोकरी जो दे देता हमारे पंसल्ला चौक का जो गेट है हमारे मैनकौली का, उसमें एक टोकरी माटी जो रख देते जीवेश तो हम लोग खुश रहते, जो आज हमारे बहू और बेटी ऐसे करके चलता है जब थोड़ा सा पानी होता है, चलिए इसलिए उससे हम नाराज है, वोट देंगे तेजस्वी यादव, समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन आपका जो एक कैंपेन को आप मानते हैं कि डिरेल करने की कोशिश चल रही है, देखिए कोशिश तो बहुत चलती है, विपक्ष का काम ही है, क्या नाम है, जो लोग मतलब हमारे विपक्षी है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके पास तंत्र, वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कई मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, हम लोग जनता के बीच के लोग, हम कल भी जनता के बीच थे, हम आज भी जनता के बीच, हम आगे भी जनता के बीच, तो अगर जिंदा पे आप पे घेरा जाता है, क्योंकि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, आपको पता वही पोलराइजेशन, व्यक्ति जी आप सबसे नाम पूछ लीजिए, पोलराइजेशन का क्या नाम है, नाम लोग बताइए, आपका क्या नाम हुआ, सचिन कुमार यादव, आपका क्या नाम हुआ, विनोद यादव, आपका क्या नाम हुआ, रंजुल रमान, आपका क्या नाम हुआ, कंतु मंडल, आपका क्या नाम हुआ, पवित्र दास, आपका क्या नाम हुआ, चलिए अब ये बताइए, मेरी बात सुनो, मैं आपसे सहमत हूँ, हर समुदाय के लोग बिल्कुल, मैं और हर जाति के लोग, हम आपको यही इसलिए नाम के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है, हम तो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, यही बताना चाहते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम राजनीति कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में अगले 5 साल के अंदर अगर जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो यहाँ की लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा हो, 90% से ज्यादा लोग अपना सिग्नेचर करना चाहते हो, आज भी 35% लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र में अंगूठा ही लगाते हैं, सिग्नेचर नहीं करना चाहते हैं, पीएचसी की जो हालत है जर्जर हो गई, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। या मेरी माता बीमार होती है तो उनको लेकर शहर क्यों जाना पड़ता है, आज यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर क्यों जाना पड़ता है, क्यों नहीं बेसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई आजादी के 70 साल बाद भी, मेरा ये सवाल है और मैं यही बताने आया लोगों से। अच्छा एक बात बताइए कि आपके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी, बोल तो रहे कहीं तो उल्टा सीधा जो चाहे वो फैला देंगे, सीधा बोल देंगे कि आप एंटी नेशनल हो, क्या बोले थे 2015 में
कि नीतीश कुमार जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा, ये बोले थे नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लिए। देखिए इनके पास तंत्र है, उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली भी देंगे मुझे, क्यों देंगे, मैं गरीब का बेटा हूँ ना, इसीलिए देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए देंगे, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्टी से कुछ लोग जुड़े टिकट मांग रहे थे, पार्टी से बहुत लोग भी आपके विरोध में आ गए। पार्टी विचारधारा का नाम होती है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गांधी के विचारों पर चलती है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर चलती है, जिसने इस मुल्क को IIT दिया, जिसने इस मुल्क को एम्स दिया। बहुत सारे लोग आते हैं टिकट लेने के लिए, पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलता, वो हसाइड हो जाते हैं, कोई असर हो रहा है, कोई असर नहीं। मिश्रा है उनका नाम, आपको बता दे जो है वो मांग रहे थे, समर्थन नहीं देख रहे हैं, हम तो मना किए, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। दिक्कत थी यहाँ के, पानी कतौ से ला आने छी, पानी ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, अभी तक नल का ठीक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए तो ये एक बार देख लीजिए, लोग जो है अभी भी पानी के साथ पानी है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं है, न किसान के सही नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि आप तो इशू उठा रहे हैं, हम इशू उठा रहे हैं, लेकिन अभी हो रहा है नॉन इशू जो आपने ऊपर अभी नहीं हो रहा, जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है उनको पैसा पहुंचाया बीजेपी वालों ने, जो प्रोपेगेंडा फैला रही है, हम गरीब आदमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम जनता के बीच जाके समर्थन मांग रहे हैं जनता से। लेकिन कभी आपको अफसोस होता है कि आपने अगर कोई चिट्ठी नहीं लिखी तो आपके नाम से ये कंट्रोवर्सी होती है? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, अगर कोई भी चीज मुझे सही नहीं लगेगी, मेरे अगर बस में होगा ठीक है, अगर ये चीज ठीक नहीं है उसको सुधार करने का, तो मैं अपने हाथ से सुधार करूंगा, और अगर लगेगा कि ये मेरे बस में नहीं है, ये कोई और करे, चाहे राष्ट्रपति जी करे इस मुल्क के, या प्रधानमंत्री जी करे, या किसी स्टेट के मुखिया करे, तो मैं उनको पत्र लिखने का काम करूं। मैंने पत्र लिखा, मैंने कहा इसको लेके जाइए, इसको हटाइए, प्रधानमंत्री जी को मोहब्बत है उससे, इसीलिए नहीं हटाए। और बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2005 में जाते हैं और सजदा करके आते हैं वहां पर, और मेरे पत्र का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री, ये इस बात का सबूत है कि वो उनके समर्थक है, हम लोग नहीं है। हम तो पत्र लिखे बोले हटा दीजिए, आप नहीं हटा, आज हटा दीजिए, हम बोल तो रहे हैं, मेरे पत्र का जवाब आया कि नहीं आया ये भी नहीं मुझे मालूम। तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा जो आप पे चार्जेज लगाए जाते हैं, सही काम करने का अफसोस नहीं आया, कभी अफसोस नहीं होता। चलते चलते बात नहीं, जो काम मैंने किया है वो सही है, मैंने पत्र लिखा, पत्र लिखकर कहा आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसमें कैसे अफसोस उनको होना चाहिए, उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। जिंदाबाद।